दिल्ली एनसीआर में जारी है सर्दी का सितम, आज भी 8 डिग्री से कम तापमान। शीतलहर और कोहरे से थमी जिंदगी गिरफ्तार, अलाव के सहारे लोग बचाव करने को मजबूर। कानपुर में कोल्ड अटैक, 48 घंटे में 40 लोगों की ब्रेन और हार्ट अटैक से मौत हो गई। जबकि कानपुर में पिछले 48 घंटे में 1500 लोग पहुंचे अस्पताल, 25 लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई। मरने वालों में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, डॉक्टर्स ने कहा धूप हो तभी निकले बाहर। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सोलन में तापमान शून्य से नीचे लुढ़कने से हालात काफी नाजुक हैं, सड़क पर लगातार हो रहे हैं हादसे। केलांग का तापमान -11 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो वहीं किन्नौर की कल्पा और शिमला का पर्यटन स्थल नारकंडा का न्यूनतम तापमान -4 और -2.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। जबकि सोलन, मनाली, कल्पा, सुंदरनगर, भुंतूर, रिंगाक, पीओ, कुफरी में माइनस में पहुंचा तापमान। जनजातीय क्षेत्रों में नदी नाले जमे, शीशे में तब्दील हुई सड़कें। दरभंगा में सर्दी का सितम जारी है, नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की है। सीकर में घने कोहरे और शीतलहर से कड़ाके की ठंड का सितम बरकरार, 14 साल बाद जनवरी में लगातार 4 दिनों से जम रही है बर्फ। औरैया में शीतलहर के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा, आग के सहारे बैठे लोग। भीषण ठंड की चपेट में जयपुर, अधिकांश जिलों में औसत तापमान 3 डिग्री तक दर्ज किया गया। 2 डिग्री से भी कम दिल्ली का तापमान, कड़ाके की ठंड में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कर रहे जवान। राजस्थान के रेगिस्तान में ठंड हुई प्रचंड, फतेहपुर शेखावटी में जम गई है बर्फ। जबकि मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा नगर बना छतरपुर का नौगांव, तापमान 0.2 डिग्री रिकॉर्ड। दिल्ली में शुक्रवार को नहीं हो सकता मेयर का चुनाव, सिविक सेंटर में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पार्षदों में मारपीट हुई। सदन में हुए बवाल में दोनों पक्षों के काउंसलर घायल हैं, किसी के हाथ में चोट, किसी के कपड़े फटे। बवाल के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ सदन, जल्द होगा चुनाव की नई तारीख का ऐलान। बीजेपी और केजरीवाल के एक दूसरे पर आरोप, मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने पर हुआ विवाद। आम आदमी पार्टी का आरोप है बीजेपी और एलजी ने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है। दिल्ली हॉरर केस में आज तक पर अंजलि के दोस्त का खुलासा, कहा अंजलि और निधि में हुआ था झगड़ा। अंजलि के दोस्त का बयान, कहा होटल में सभी पी रहे थे बियर। छठे आरोपी आशुतोष को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। एक और आरोपी अंकुश ने भी किया सरेंडर, अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हैं इस मामले में। अंजलि के दोस्त निधि से भी दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ, अंजलि की मौत के केस में निधि है चश्मदीद। जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड सरकार ने की हाई लेवल बैठक, कमेटी गठित, अब तक करीब 600 घरों में आई दरार। उत्तरकाशी जिले के एक गांव में भी कई घरों में दरार से दहशत, वाड़िया गांव में नीचे की धस रही है जमीन। वाड़िया गांव के करीब 100 परिवारों ने डीएम से की है विस्थापन की मांग, जिलाधिकारी ने भी समस्या को माना गंभीर। विमान में महिला से बदसलूकी मामले में आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ अमेरिकी कंपनी का बड़ा एक्शन, कंपनी ने किया बर्खास्त। एफआईआर के बावजूद आरोपी शंकर मिश्रा की अब तक गिरफ्तारी नहीं, पुलिस की छापे मारे जा रहे। आरोपी शंकर मिश्रा के सफाई में सामने आए पिता श्याम मिश्रा, कहा मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, फ्लाइट में वो सोया था। कोहरे की वजह से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट हुई लेट, असुविधा पर यात्रियों ने किया हंगामा, यात्रियों के लिए होटल और खाने पीने का नहीं किया गया था इंतजाम। जयपुर में एक और जैन मुनि समर्थ सागर ने भी त्यागे प्राण, संवेद शिखर तीर्थ को बचाने के लिए अनशन पर थे समर्थ सागर। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट, नहीं है मनीष सिसोदिया का नाम। ईडी ने दाखिल की चार्जशीट में कुल 12 आरोपियों के नाम, 7 कंपनियों का भी जिक्र है। दिल्ली में कांग्रेस पार्षद के पति जुबैर अहमद का आम आदमी पार्टी पर आरोप, आम आदमी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने घर आकर दी सदन में उन्हें सपोर्ट करने की धमकी। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का माफिया और रेपिस्ट पर सख्त बयान, कहा मेरा बस चले तो जो भी हो उनके बाल काटकर पब्लिक में परेड कराई जाए। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में ममता के मंत्री ने 5वें रीजनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कांग्रेस का उद्घाटन किया, विश्वविद्यालय के मंच से जमकर किया ममता का गुणगान।
उधर गौरी लंकेश की टिप्पणी पर सिद्धारमैया का पलटवार, कहा मैं खुद एक हिंदू हूं, तुम भी हिंदू हो ना, मैं हिंदुत्व का विरोध करता हूं, मैं केवल धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करने के लिए कह रहा हूं। रत्नागिरी में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक का हुआ कार एक्सीडेंट, हादसे के बाद कहा मैं ठीक हूं, चिंता ना करें। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जूनियर बेसिक स्कूल के छात्रों ने शिक्षकों के साथ किया सरकार के उठाए कदम का स्वागत। केरल के कोच्चि में राज्य सरकार स्थापित करेगी सार्वजनिक कार्यों और पर्यटन के क्षेत्र में एक सामान्य डिजाइन नीति। सोमी अली ने एक बार फिर सलमान खान के साथ अपने एब्यूसिव रिश्ते को जाहिर किया है, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो, रिएक्शन किया पोस्ट, सलमान खान पर मारपीट के लगाया आरोप। उधर रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चौपाटी के खिलाफ दिया धरना। मध्यप्रदेश के भोपाल में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जल विजन 2047 में शामिल हुए। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्लोबल के एलुमनाई दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अहमदाबाद में कनाडा इंडो पैसिफिक कॉन्क्लेव 2023 शुरू हुआ। कर्नाटक के तुमकुरु में हुआ बीजेपी जनसेना समवेशा सिरा का आयोजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी शामिल हुए। असम के बरपेटा में डॉक्टर्स ने अपनी सुरक्षा की मांग करके धरना दिया है, घटना में शामिल 3 आरोपी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। विमान में महिला से बदसलूकी मामले में आरोपी का अग्रिम जमानत की तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी के पुराने बयान का उड़ाया मजाक, कहा वो अपनी उंगली पकड़कर राजनीति में आए थे, इस तरह की टिप्पणी ने उन्हें संसद जाने के लिए थोड़ा डरा दिया। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा पुलिस सप्ताह परेड में हुए शामिल, शहीद स्मारक को दी श्रद्धांजलि। कानपुर में एसपी विधायक के परिवार का आरोप, पीठ में दर्द के बाद भी नहीं मिल रहा इलाज, भीषण ठंड में भी जेल में नहीं मिल रही ओढ़ने के लिए रजाई। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारी जोरों पर, वरिष्ठ अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कार्यक्रम को लेकर जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उस पर किए गए सवाल जवाब। बिहार के सहरसा में पूर्व में बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू का सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर हमला, कहा समाधान यात्रा नहीं ढोंगी और नौटंकी यात्रा है जो अंतिम यात्रा साबित होगी। उधर गुजरात के भावनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एबीवीपी के 54वें अधिवेशन में शिरकत किया। मध्यप्रदेश के सिवनी मंच से भाषण देते हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बोली मन की बात, कहा हम नेता आदमी हैं, भूल जाते हैं, जितना हमारे पीछे लगेंगे उतना आपका भला होगा। मुरादाबाद में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला मंत्री को लश्करे खालसा की धमकी, बीजेपी छोड़ दो वरना तुझे और तेरे परिवार को कुत्ते की मौत मारेंगे, मामले में मुकदमा दर्ज। जैसलमेर में देखने को मिला अनोखा विदेशी शिव भक्त जोड़ा, जो 2 महीने से भोलेनाथ के रंग में ऐसे रंग गए हैं कि रोज सुनार किले में प्रसिद्ध शिव मंदिर के करते हैं दर्शन, आरती में होते हैं शामिल। महाराष्ट्र के जेजुरी में पौष पूर्णिमा के अवसर पर दिखा एक और अनोखा गधों का बाजार, लाखों रुपयों का हुआ कारोबार। गुवाहाटी में चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सर्दियों में दिया जानवरों के प्रति स्नेह, गर्म रखने के लिए लगाए हीटर और उपाय किए। डीएस ग्रुप के कॉरपोरेट म्यूजियम का उद्घाटन हुआ, कंपनी की स्थापना से अब तक के सफर का संग्रह। जबकि 1929 में दिल्ली के चांदनी चौक से हुई थी डीएस ग्रुप की शुरुआत, म्यूजियम में दिखेगी संघर्ष से सफलता की पूरी कहानी। मध्यप्रदेश के खरगोन में मां बागेश्वरी देवी का किया गया अद्भुत अनूठा श्रृंगार, केले से पपीता नारियल शलजम से किया सुसज्जित, मनमोहक रूप देखने को पहुंच नहीं सका। छपरा में पहुंची मशहूर महिला रेसलर दंगल गर्ल बबीता फोगाट, एबीवीपी के कार्यक्रम में छात्रों और छात्राओं को किया संबोधित। बहराइच में 1750 करोड़ का निवेश करेंगे उद्यमी, इन्वेस्टर समिट में निवेश के लिए आए 69 प्रस्ताव। धौलपुर में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने 88 दिव्यांगों को बांटी स्कूटी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में चमकते पेशे के रूप में उभर रहा मधुमक्खी पालन, ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ा है महिलाओं का समूह।
उधर गाजियाबाद में मिले दो युवकों के शव की गुत्थी सुलझी। युवकों की बड़ी बेरहमी के साथ की गई थी हत्या। गोली मारकर केमिकल से बिगाड़ा चेहरा। छह आरोपी इस मामले में गिरफ्तार। मध्यप्रदेश के राजगढ़ में बैंक कर्मी का तालाब में मिला शव। सुसाइड नोट में मृतक ने लिखा, आईडी का किया गया गलत उपयोग। गुस्साए परिजनों ने किया चक्का जाम। उत्तर प्रदेश के बरेली में 11 साल तक युवती को बंधक बनाकर किया बलात्कार। धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में दिल्ली जैसी ही घटना। एक्सीडेंट के बाद कार सवार ने छात्र को 1 किलोमीटर तक घसीटा। भीड़ ने कार सवार को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। पूर्णिया में एक युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या। मृतक काफी वक्त से लापता था। नहर किनारे लवारिस स्थिति में पड़ा मिला शव। उधर लखनऊ के एम्प्रियो ग्रैंड होटल में गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट। 10 लोग गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में अब तक तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से दूर है। पहले ही 2 महिलाओं को कर चुका है यह जख्मी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में नारकोटिक्स पुलिस ने 2 कुख्यात इंटरस्टेट तस्करों को गिरफ्तार किया है। 1.5 करोड़ की स्मैक बरामद हुई है। थाने में छापेमारी में 3 स्मगलर्स को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में अमली पदार्थ बरामद हुए। लखीमपुर खीरी में घर के बाहर दिखा करीब 15 फीट लंबा अजगर। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके अजगर को जंगल में छोड़ा। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक निजी अस्पताल में 24 घंटे में 5 मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किए गए। देवघर में सब्जी मंडी में रंगदारी के लिए फायरिंग में मामले में 6 गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। महाराष्ट्र के अकोला में डॉक्टर्स ने मोबाइल टॉर्च जलाकर निकाला मार्च की जमकर नारेबाजी। एक डॉक्टर ने दूसरे इंटर्न डॉक्टर पर किया था जानलेवा हमला। जबकि मोतिहारी में घने कोहरे और ठंड का फायदा उठाकर चोर गिरोह लगातार कर रहे चोरी। अब तक कई बड़ी घटनाओं को दे चुके अंजाम। मुजफ्फरनगर में सड़क पार कर रही 4 साल की मासूम बच्ची को एक कार ने टक्कर मार दी। कार सवार हुआ फरार। मोतिहारी में मासूम की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया। मासूम खेलने के दौरान हुई थी गायब। पुलिस कर रही है तफ्तीश। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नक्सली हत्या में शामिल नक्सली को जवानों ने किया गिरफ्तार। असम के चिरांग में तेल टैंकर को ट्रक ने टक्कर मार दी। टैंकर का निकला पूरा तेल। हुआ भारी नुकसान। गुवाहाटी में नकली नोट छापने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में नकली नोट भी जब्त। मोतिहारी में कस्टम और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 16 प्रतिबंधित ड्रोन कैमरा सहित 1 तस्कर को गिरफ्तार किया गया इस मामले। जबकि फरीदकोट में 2 तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 4 आरोपी गिरफ्तार।